जी सर। जी चलो अब मैं मुझे पता। अब आप चाहें तो अपना तारुफ रिकॉर्ड करा दें, मेरे पास आ जाएगा। जी आप हिशाम भाई हैं कौन? जरूरी। आप बता रहे थे ना मेरा तारुफ, बताएं। अच्छा सर, वो मैं बताता हूँ। एक्चुअली मैं फ्रीलांसर हूँ, वेब डेवलपमेंट, एप्स, ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ। आई एम दी ओनली पाकिस्तानी हु हैज डन 7 फिगर इनकम ऑन guru.com एंड हैज डन 5-star फीडबैक ऑल थ्रू आउट माई करियर। नॉट इवन अ सिंगल फीडबैक बिलो 3। बहुत सारे ये काम है जो कि ऐप, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक्स से रिलेटेड हैं। यू नो आई एंड माई ग्रुप ऑफ 20+ पीपल डू इट। लास्ट एक साल सर वी हैव बीन एक्टिवली एज अ फिलेंथ्रोपिस्ट, मैं सोशल इश्यूज को रेस करते हुए उन पर काम कर रहा हूँ। तीन के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। वन इज दी कॉनबोला, सेकेंड इज इतला, एंड थर्ड इज ट्रू ड्रॉप्स। ऑल ऑफ थ्री आर बैक्ड विद माई रिलेशनशिप विद अ सिलिकॉन बेस्ड कंपनी। उसमें मेरे पार्टनर हैं, ही इज एक्चुअली माई कजन एंड वी आर थिंकिंग अबाउट द फोर्थ वन इज वेल। बिकॉज आइडिया ये है कि किसी ने तो सोशल इश्यूज को रेस करना है। वैसे तो नहीं कि सारी उम्र ऐसे ही चलता रहे। शहजाद राय कहता है, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि मुल्क ऐसे चल रहा है, डर ये कि ऐसे ही ना चलता रहे। नाजुक हालात से तो गुजर है पर ऐसे ही ना चलता है। तो मैंने मैंने ये सोचा कि दैट्स पार्ट ऑफ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, कि मैं इन ऐप्स को बनाना शुरू करूँ। ये तीन ऐप्स, इनफ सेड ऑन दिस, आपने खुद दो को शेयर किया, तीसरी इंशाल्लाह समवेयर एट द एंड ऑफ जनवरी लॉन्च हो जाएगी, iOS एंड एंड्रॉयड, जो कि ट्रू ड्रॉप्स है। उसमें यही करीब से यू नो आई हैव सीन हिम डाइंग एंड इवेंचुअली लॉस हिज बैटल फॉर द लाइफ, हीट ऑफ द मोमेंट इन द मिडल ऑफ द ऑपरेशन। डॉक्टर्स, इट वाज अ मैसिव ओवरसाइट ऑन द डॉक्टर्स पार्ट, दे शुड हैव इनफॉर्मड अस अबाउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ ब्लड बॉटल्स दे वुड नीड ड्यूरिंग द ऑपरेशन। सो इट वाज अ मैसिव ओवरसाइट, दे गेव अस अ नंबर व्हिच फार एक्सीडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन, एंड ही वाज अ heart patient as well, so he lost his battle on the operation theater. As you know, the family members were running around to manage the blood. So I thought it would be good if you can have a mobile app. जहाँ से अस्पताल जो है वो बैठ के blood के लिए request करे. For example, my blood group is like A positive. A positive के लिए request करे, and everyone within that 5 kilometer radius of that hospital. If they are registered and they got this app downloaded, they get the notification, push notification, जैसे हमारी होती है ना apps में, they'll get notifications and of course, feeling their responsibility, they would go out and donate and save a life. Blood donation की या ये effort थी। चौथा मेरा जो issue है जिसपे मैं अभी काम कर रहा हूँ, वो तो मैंने डर के मारे सिर्फ तीन ही बताए थे। And fourth one is actually the one I'm doing from the bottom of my heart. मैं मेरा पैशन है वो। ये तीन तो चलो सोशल इश्यूज है ना, इश्यूज को रेज किया, उनके बारे में कमिंग अप विद अ सॉल्यूशन। फोर्थ वन इज बाय द नेम ऑफ नेबो नेक्स्ट, NABONEXT। नेबो सर ऑस्ट्रेलियन टर्म है नेबर्स की, एंड नेक्स्ट इज द अगेन द इंग्लिश टर्म व्हिच इज द नेक्स्ट डोर। तो दोनों को एब्रिविएशन बनाया, ज्वाइन किया है, मेकिंग इट अ वन नेम, नेबो नेक्स्ट। द आइडिया इज इट्स अ मोबाइल ऐप, वी आर 80% डन as far as the website and the apps are concerned. Apps are like 60-65. Basic idea, it tracks your location, you sign up, it locks your location. So next time you log back or you log in, it tells you that you belong to this particular location and you can access the neighbors within the 5 kilometer all around you. Acha, now neighbors can talk about majority of issues. I mean, they can, if someone wants to lend a ladder, instead of me going out to the shop and requesting him and paying him money, of course, if I have this app installed, I can send a post message just like on Facebook, and my neighbors who are willing to lend me a ladder can respond with a comment. And of course, you know, we can do that, so on and so forth. The security hazard, you know, that comes into protection as well. For example, if God forbid, if there's a robbery in my house or an office for that matter. If there's something, you know, if I am all alone, my kids and my wife are not in the house, apni walida ke game hai, and God forbid if I've ran into a serious health issue,
I can just post a message and the people in my neighborhood can come for my help. Similarly, the businesses within the 15-kilometer radius can advertise their business. For example, if there's a pizza house and if they got this nice offer, the best people to sell are the people living in that neighborhood. So they can advertise on the app as well. So this is something which is my passion, and I'm loving developing this app. इसमें oversight को भी बड़ा अच्छे तरीके से manage किया है. If I move from Rawalpindi to Karachi, I would not be able to access your neighborhood because my neighborhood is locked in Islamabad. Therefore, I cannot access someone else's neighborhood. Likewise, any other individual who has signed up, उसका location lock हो गया है. For them to go to someone else's neighborhood and see what has been happening, that is not possible. So उसके लिए फिर हम उसको monetize करने को सोचेंगे कि भाई you have to pay this X amount of money to change your neighborhood for the second time, and for the third time if you do that, that goes to XXXX amount. So that neighborhoods are secure. Everyone wants a security. This is not a pure Facebook idea, but this is more on a social norms where people would not be uploading their personal pictures or the videos, but they will be, they will stay connected with their neighbors. Something which was taught to us in our Islamic norms, but somehow we have, deviated from that basic teachings ke hame apne neighbor ki khayal rakhna hai aur wo musalman nahi ho sakta jiska hamsaya bhooka soye. So usko dekhte hue, considering the security stuff into it, and then of course if there are events in the neighborhood, for example main keh raha hu ki mere bacche ki birthday and I want all of my neighbors they are invited in that event. मैंने एक सर स्टेटस मैसेज डालना है, पोस्ट करूंगा और जाना ही नहीं कोई नेबरहुड को. मेरे जो लोग हैं, आपका कोई सेमिनार हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, खुदा ना खास्ता फौत की होगी है, अब इंस्टेंट के एक घर को बता रहे हैं आप, मस्जिद में ऐलान करा रहे हैं, किसी को मैसेज किया, किसी को मैसेज नहीं किया. दिस इज अ फार बेटर वे ऑफ स्टेइंग कनेक्टेड विद द पीपल अराउंड यू, एंड व्हेन नेबर्स टॉक एवरीवन बेनिफिट. ये चौथी चीज थी. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? जबरदस्त. तो आइए, फ्रीलांसर की जर्नी तक पहुंचे कैसे आप? How did this come into play? नेबरहुड से ये कहां से आ गया? आपके तारुफ की वीडियो ना, आपके प्रोग्राम की तारुफ की थोड़ी. अच्छा सर, फ्रीलांसिंग मैं जॉब करता था. माय करियर स्टार्टेड विद मोबिलिंग. जॉब से पहले क्या करते थे? पढ़ाई चढ़ाई कहाँ की? पैदा कहाँ हुए? मैं पहले बीकॉम किया हुआ है, बीकॉम के बाद मैंने एमबीए किया हुआ है. There are a couple of online courses, so थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी. एम बी ए करने के बाद आई ज्वाइन मोबिलिंग जी. मोबिलिंग में आई वॉज छोटा आदमी, कस्टमर सर्विस स्टिल छोटा आदमी, बाई हाइट एज वेल एज बाई बाई स्ट्रक्चर. तो वो 3 साल 2 साल मोबिलिंग में काम करने के बाद आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई वॉज अ ग्राफिक डिजाइनर. मैं जब शुरू से डिजाइनिंग का तो बहुत शौक था, पेपर वर्क और आर्ट वर्क करने का सर. उसको जब काफ़ी पानी चढ़ गया यहाँ तक, ये जॉब नहीं हो सकती ग्राफिक डिजाइनिंग अपने अपने फील्ड से रिलेटेड काम. तो और आ रहा है काफ़ी सामने सर, अभी भी आ रहा है. हाँ जी, कोई लग रहा है कुछ चूहा फिर रहा है उधर उधर. नहीं, होना नहीं चाहिए. इज इट बेटर? जी सही. अब ठीक है जी. अच्छा, तो मोबिलिंग को छोड़ा, एक लोकल कंपनी थी रावलपिंडी में, उसको ज्वाइन किया एज अ ग्राफिक डिजाइनर. वर्क देयर फॉर 2 इयर्स, लेकिन वो जो शौक था फ्रीलांसिंग करने का, अपना काम एट विल करने का, कि मुझे पूरा कमरा मिले, मैं सुकून से बैठूं, इधर पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, इधर म्यूजिक लगा हुआ हो, कान में शोर मच रहा हो, वो मुझे आज़ादी नहीं मिल रही थी किसी के लिए काम करने की. फिर मैंने कहा ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं कि थोड़ा कमाते हैं और अगलों को भी वो एनवायरनमेंट देते हैं जो मुझे चाहिए. आई स्टार्टेड विद अ सिंगल पीसी रेहान भाई. आई स्टिल हैव दैट सिंगल पीसी इन माय ऑफिस. वो अभी तक छुपा के रखा हुआ है बिकॉज आई वांट माय 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 डॉटर टू ग्रो अप एंड सी दिस. उसको अभी भी पता है कि ये बाबा का पहला पीसी. और वहाँ से सर ये कंपनी पूरी चलाई और इट इज अ माशाल्लाह 20+ पीपल कंपनी. अब हम बहुत सारा फ्रीलांसिंग करते हैं, ग्रुप एक्सक्लूसिवली. उन्होंने हमें होम पेज पे टेस्टिमोनियल दिया है फॉर अवर अचीवमेंट, विच इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, कवर्ड बाय अ लॉट ऑफ
इंटरनेशनल मीडिया, लोकल पे शायद चूंकि मैं बहुत शाय हूँ एंड आई कन्फेस मुझे नहीं है, सो आई डू नॉट रीच आउट टू पीपल समहाउ। शायद मेरी ट्रेनिंग ऐसी हो चुकी है 15 साल के एक कमरे में बैठ के फ्रीलांसिंग करने की, नॉट मच सोशलाइजिंग, आई एम वेरी कंजर्वेटिव, छोड़ बड़ बड़ा ही बड़ा इससे बड़े शाय आदमी, बट ओपनिंग अप थैंक्स टू यू, ज़्यादा ना खुल जाओ जितना है उतना ही। तो अब ये कि सर लोकल फिर आई रीच आउट टू फ्यू पीपल इंक्लूडिंग यू, मैंने ही आपको रीच किया, जाहिर है आप तो नहीं जानते थे, तो थोड़ी सी हिम्मत की, बताया लोगों को कि जी मैं हूँ उसमें से, आपको मैंने रिक्वेस्ट की कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक पे, एंड देयर इज उमर साहब इन पंजाब PITB गवर्नमेंट, जहाँ राज साहिबा कराची आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसी तरह जो नॉन लोग हैं उनको रीच आउट किया, अपनी स्टोरी थोड़ी ब्रेक की, और फिर आप लोगों की गाइडेंस में बस चलता जा रहा हूँ, जिस तरह चलता जा रहा हूँ, जो जो अच्छा लग रहा है उसको समझ लेता हूँ, जो अच्छा नहीं लगता उसको बात करते हैं ना, जो बॉल में खेलनी बस छोड़ दो, फिर मैं छोड़ देता हूँ सर, ये मेरी स्टोरी है, इतनी सी बात है। सही है, तो वालिद क्या करते थे आपके? ब्रिगेडियर रिटायर्ड AMC डॉक्टर है और लॉन्ग रिटायर्ड बैक इन 1992, वी आर फोर ब्रदर्स और He's on Facebook, yes. वो बड़े अरसे से फेसबुक पे हैं, मैं वो पोस्ट मुझे इसलिए जहन में आया कि आप लिखते रहते, वालदा नहीं वो बिल्कुल कंप्यूटर हैंड्स ऑन नहीं है, समझाने की भी कोशिश करें मोबाइल फ़ोन पे तब भी नहीं समझती, वो खुद ही कहती हैं कि आके मुझे इधर से कॉल मिला दो, वो शी इज नॉट गेटिंग यूज टू इट, बट हम चार भाई हैं। आप कुछ कह रहे थे, सॉरी, उनको एक आईफोन ले दें उस पर व्हाट्सएप लगा दें, सही हो जाएगा सर, व्हाट्सएप तो लगा, वो तो आईफोन और व्हाट्सएप वाली बात तो बिल्कुल इस तरह तो हो जाती है, स्काइप वगैरह अगर कॉल करनी हो ना कहीं बाहर वालों को, वो फिर जरा नहीं सब लगती, जैसे हमारे वालदैन होते हैं व्हाट्सएप चला लेती हैं, सर चला व्हाट्सएप तो सही है, फेसबुक पे लगा के लगा दें, उनको बता दें भाई शेयर जब करना है ना इधर दबा देना तो अच्छे चले जाना, ये वाला बटन दबा दे, ठीक है सर, सही है। बाकी हम चार भाई हैं, कोई बहन नहीं, चार भाई थे, चारों बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े हो गए, आई एम द थर्ड वन, और मेरी एक बेटी है, शी इज 11 ईयर्स ओल्ड, और बस यही है जबरदस्त। Thank you so much for your time, and you are a true inspiration for a lot of people, I'm sure. And after watching these videos, I'm sure you'll get a lot of more complaints. आपने मेरे जवाब नहीं दिया अभी तक वाली मैसेज आ जाएगा आपको। सर, ना करवाएं सर, पता नहीं लोग क्यों, मैं तो किसी को जानता भी नहीं, बल्कि मैं आपकी वीडियो से, since you are recording this, right? जी। सर, please इनको request करें कि ये इतना गुस्सा ना दिखाया करें, अगर जवाब देने में थोड़ी सी ताखीर हो जाए, मैं कोशिश करता हूँ हर एक को जवाब देने की, बट आई एम अ ह्यूमन बींग, आई हैव अ पर्सनल लाइफ, I have a professional life. नाराज होने की जरूरत नहीं है, और नाराज भी बस actually अगर आप मेरे तजुर्बे से एक और फायदा उठाना चाहें तो वो आपसे नाराज नहीं होते, उनका बोलने का स्टाइल ही है। सर, बोलने का स्टाइल पहली दफा तो भाई से स्टार्ट होते हैं, आखिरी दफा गाली पे खत्म होते हैं, ये कैसा स्टाइल है? ये प्यार मोहब्बत में चलता है ना सर? सर, नहीं, मैं बाज आया ऐसी प्यार मोहब्बत से कि स्टार्ट होता है भाई भाई भाई, सर से स्टार्ट होता है भाई पे आते हैं, और फिर जब जवाब नहीं दे पाया किसी भी वजह से तो मुझे तो पता है डर लगने लगा सर, अगर इसको मैं हर वक्त पा सकता हूँ, अगर ना दूं किसी ऐसे को जवाब तो वो बड़ा खतरनाक बात है। नहीं, ये हो जाए, उसका तरीका यही है कि ना आप डेलीगेट कर दें, और उनको जब मैं करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम डेलीगेट कर दें और उनको नेट, उन बड़े लोनली हैं पब्लिक ज़्यादातर, उनको कोई उम्मीद की किरण इधर से मिल जाए बस वो पकड़ के बस उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, सो उम्मीद की किरणें ज़्यादा हो जाएंगी तो रोशनी ज़्यादा हो जाएगी तो लोग सही हो जाएंगे। बट हाईलाइट करने का मकसद यही है, जैसे आप पहले मेरे फ्रीलांसर बंदे हैं पाकिस्तानी जिसको मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, किसी का आज तक मेरे कोई फड़ा ही नहीं, हाथ ही नहीं आया भी, वो बताते हुए भी शर्माते हैं लोग। सो ज़्यादा अगर फ़र्ज़ करें हर मोहल्ले के अंदर एक हो तो हमारे तक बात ही नहीं आएगी ना, वो वहीं का वहीं रेजोल्यूशन हो जाएगा। तो चैलेंज यही है कि जो अच्छा जो इश्तहार आते हैं अखबारों में वो सारे गड़बड़ लोग होते हैं, ये क्लिक कर दो, ये क्लिक कर दो, ये कर दो, वो गालियां भी हम ही को सुनने को पड़ती हैं, वो साले मेरे पैसे खा गया, मैं क्या करूं भाई, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी उसको पैसे देने की, क्यों ग्रीड में थे, ग्रीड में मुब्तला होते हैं पहले फिर परेशान हो जाते हैं, देर ओन गूगल देना आप देर ओन, बस उनका कसूर नहीं है, वो ये एक मिजाज में हो गया ना, जल्दी जल्दी पैसे कमा लो, जल्दी जल्दी सब कुछ यही हो जाएगा।
बस क्या करें, है ऐसा ही है, यही मुल्क है अपना। एंड एज आई सेड कि जितनी जागा बत्तियां लगा सकते हैं लगा दें, बाकी नहीं लगा सकते तो कुछ ना करें। इसी बात को तो सोचते हुए ये सारे सोशल प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, और मोर टू कम इंशाल्लाह, जैसा जैसा इशू नजर आता रहा उसको। अभी पिछले दिनों से कोर्ट कचहरी का एक इशू आया, तो मैंने मैंने कहा ये तो बड़ा खतरनाक काम है, लॉयर से पूछो। अब अगेन अनदर आइडिया जस्ट टू शेयर विद यू, और जरूरी नहीं है कि ये मैं पेटेंट नहीं है ये आइडिया, जिसने बनाना है बना ले, नहीं बनाना तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मैं करूंगा। अब देखें, आप अदालत में आपका नंबर आता है, अगले दिन पेशी आती है, सर वो बाजू का नहीं पता लगता, वकील को पूछ रहे हो, वकील साहब भी मोनिटाइजिंग के चक्कर में होते हैं, एज यू नो द जनरल परसेप्शन, द वे ऑफ वर्किंग इन पाकिस्तान। तो होता क्या है कि अगर एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे अदालत के सारे की सारी पेशीज और नेक्स्ट हियरिंग्स जो हैं वो पता लग जाएं, और इंडिविजुअल्स जो कि कनेक्टेड हैं, यू एंड द अदर पार्टी, दे जस्ट गेट टू सी विद पुश नोटिफिकेशन आपका अदालत का कमरा। आई थिंक दैट वुड बी अ मैसिव अचीवमेंट इफ यू कैन डिजिटाइज, इफ वी कैन डिजिटाइज ऑल दिस। तो ये देखें, एक छोटा इशू है ना जो मैंने मैंने आई एम सॉरी, ये मैंने देखा और फिर मैंने सोचा कि इसका हल होना चाहिए। तो ऐसे बेतहाशा इशूज हैं मेरे मेरे जहन में, बेतहाशा इशूज हैं, बट ये एक अदालत वाली बात जहन में आई तो मैं कहा कि क्योंकि ये पिछले जब मैं ये कौन बोला बना रहा था इतला के बाद, तो मैंने सोचा पहले इस पे हाथ डाल देता हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, पहले पहले जो है वो किसी और चीज पे कर लेते हैं, देन यू नो वी रिकॉर्ड दिस, बट दिस इज समथिंग आई एम आल्सो थिंकिंग, इंशाल्लाह करूंगा। मेरा मशवरा, गुजारिश और सजेशन है कि आप अपने आइडियाज़ को पब्लिकली वीडियो बना के शेयर कर दिया करें, छोटे छोटे को, एंड आई विल डू द सेम, एंड आई ऑलरेडी डू, बट आई विल डू सेम फॉर स्मॉलर आइडियाज़। एंड होता क्या है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि चलेगा नहीं, ये होगा नहीं, एंड डिस्करेज हो जाते हैं फ़ौरन। आपने हिम्मत पा ली हुई कि जी कोई बात नहीं, नहीं चलेगा, कोई गाली कोई नहीं है। तो अक्सर का क्या होता है कि जी क्योंकि उनके लिए वो पहला स्टेप होता है तो उनको उतना बड़ा स्टेप लग रहा होता है। आप कहते हैं यार ये कोई मसला ही नहीं है, मैं 50,000 पहले कर चुका हूँ एक और से। सो वो करेज आपका ज़्यादा है ना, तो जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर करेज कम होता है, एंड इसलिए पढ़ाना और समझाना ज़रूरी है, शाबाश देना ज़रूरी है कि वो ज़्यादा हो जाएंगे तो अगेन रोशनी ज़्यादा हो जाएगी। और बहुत डिस्कनेक्ट है, बहुत डिस्कनेक्ट है लोगों में, एंड घबराते हैं, खौफ इतना है पूरी कॉम में एक दूसरे से बात करते हुए, डर इतना है कि पता नहीं कोई क्या कर जाएगा, फेसबुक पे ही बात करते हुए उनको पता नहीं क्या खर्चा आ जाएगा, तो बस नहीं करते बात, दिल के अंदर रखते हैं, एंड बस है खौफ, अनफॉर्चुनेट है कि है, एंड मैं इस पर अभी नहीं जाऊँगा कि इसको कैसे ठीक करना है या क्या करें, बस आप जो अच्छा कर रहे हैं अच्छा करते रहें, लोगों के लिए लाइट बनते रहें, एंड लोगों को सिखाते रहे, और आप करेज, आप इनकरेजमेंट जारी जी मेरे अंदर जब तक हिम्मत है मैं जारी रखूंगा, जब हिम्मत खत्म हो जाएगी तो मैं बंद कर दूंगा। नहीं 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 सर, ऐसे ना कर, ऐसे ना कर, वो लोग नहीं समझ रहे, अभी नहीं समझ रहे, समझ जाएंगे। पता है अब आपको बात, आपकी गैप बहुत है ना, अब हमारे यहाँ बेसिक चीजें, आप बाहर जाते हैं मैं देखता हूँ आप हैं साथ, तो जब मैं देखता हूँ सारी चीजें आपका आपका जो फर्जन, अब आपको पता है एक एक चीज ऑटोमेटेड है, टैक्सी कैब बुक करने से लेके ऊपर से बात स्टार्ट हो रही है सर, ट्रैवलोसिटी पे आप या प्राइस लाइन पे आप टिकट्स या वेकेशंस बुक करा रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, फ्रॉम पेइंग योर बिल्स टू टू डू बुकिंग एंड यू नो सीइंग योर नियर बाय रेस्टोरेंट्स एंड बुकिंग द मील, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। यहाँ पे तो सर अभी जहाँ पे दिहाड़ी सॉरी मैं पंजाबी का वर्ड यूज कर रहा हूँ, मतलब रोजाना का जो है, अब जिसकी एवरेज इनकम $1 महीने की चल रही है मेजोरिटी, उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल है ना, सो द वन हु आर ब्लेस्ड हैव टू प्ले देयर रोल। बहुत बहुत शुक्रिया, इसके बाद मैं अगले टॉपिक पे लिए आपको दोबारा कॉल करूँगा, यहाँ पे इसको एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाम आपके टाइम का, इसी तरह चमकते रहिए, तमकते रहिए, लोगों को सिखाते रहिए, जो आपके पास इल्म है वो जितनी जल्दी हो सके यूडेमी पे और उस्तानी पे और लगा दें। बिल्कुल यूडीमी पे, दैट इज ऑन प्लान सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, ओके।